स्टूडेंट्स, ये अपना फंक्शंस का सिक्स सेशन है। फिफ्थ सेशन में जहां पर हम लोगों ने खत्म किया था, उसके आगे से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी देख लेते हैं हम लोग पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है। ओके, अ फंक्शन डिफाइंड बाय टू और मोर इक्वेशंस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ गिवन डोमेन इज कॉल्ड पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस वन, एंड एफ ऑफ एक्स ही दिया हुआ है फोर माइनस एक्स। यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इज लेस देन वन, एंड ये लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। तो क्या होगा कि हमारा एक एफ ऑफ एक्स रहेगा और उसके लिए दो अलग अलग इक्वेशंस होंगे। ओके, टू, दो या दो से ज्यादा, तो ऐसे इसको हम लोग बोलेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। उसमें टाइप देख लेते हैं, तो पहला टाइप है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम एक्स इज अ पीस वाइज फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स है दैट इज पीस वाइज में मींस सिग्नम फंक्शन में माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो इफ एक्स इज लेस देन जीरो, वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसके बाद हम लोग देख लेते एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक नाम यूज कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ये जो दो लाइंस हैं और इसके बीच में जो वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स। ओके, तो इज अ पीस वाइज फंक्शन। यहां पर दो कंडीशन है, अगर हम लोग मॉडुलस का लेते हैं तो कंडीशन तो ए क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो। ओके, एंड इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन क्या है, फॉर एवरी रियल एक्स। ओके, रियल मतलब रियल नंबर्स की बात हो रही है, रियल नंबर्स पता ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो वो रियल एक्स, फॉर एवरी रियल एक्स एफ ऑफ एक्स इज, ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है, इसका मींस क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, या तो इससे छोटा होगा या तो इक्वल्स टू दिस होगा। This is also called a floor function and represented by, इसको हम लोग floor function भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग इस तरह से represent करते हैं। मान लो एक हमने ले लिया f of 5.7 और ये क्या है, हमने ये square bracket में ले लिया 5.7, that means greatest integer less than or equals to 5.7। Integers की बात हो रही है, तो integers में क्या होते हैं, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं, कहां से, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर्स विथ जीरो एंड नॉन फ्रैक्शनल। तो अगर नंबर्स लेने हैं तो क्या है, 5, 4, 3, 2, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, माइनस इंफिनिटी तक। ओके, क्या करना है, 5.7 से लेस मतलब इससे छोटे क्या चाहिए हम लोग को, इंटीजर्स चाहिए। तो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, 0, -1, -2, ऐसे करके हम लोग कहां तक जा सकते हैं, माइनस इंफिनिटी तक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 5.7, तो क्या लेंगे, 5.7 इंटीजर नहीं है। मान लो अगर ये 5.7 की जगह पे मैं लिख दूं 7, ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इन मींस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका आंसर आएगा 7। हमने क्या बोला,
ग्रेट इक्वल्स टू और लेस देन दिस, या तो इक्वल्स टू दिस या फिर लेस देन दिस, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए. तो अगर ये सेवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर सेवन फाइंड आउट करना है तो सेवन आएगा. 5.7 का फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, 5 आएगा. अगर 5 के बाद इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा. लेकिन हमारा कंडीशन क्या है कि जो भी वैल्यू है ब्रैकेट में या तो उसके इक्वल होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए. तो 6 तो उसके इक्वल नहीं है, छोटा क्या है, 5. सो 5 इज ग्रेटेस्ट. ओके, इसके बाद फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन देख लेते हैं. फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या है, फॉर एवरी रियल एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स. यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जो एक्स है वो इस तरह से डिफाइंड होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. अभी जो हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट किया उस तरह से, ठीक है. अभी हम लोग सम्स देख लेते हैं ये टॉपिक पे, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पे. ओके, तो हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स. इस एफ ऑफ एक्स के लिए तीन डिफरेंट इक्वेशन दिए हुए हैं, दैट इज 4x माइनस 2, 5x स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे साथ में कंडीशन भी दी हुई है. इसके लिए कंडीशन क्या है, x का वैल्यू जो है वो या तो लेस देन माइनस 3 होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू माइनस 3 होना चाहिए. सो लेस देन माइनस 3 बोलेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6. इस तरह से माइनस इंफिनिटी तक हम लोग जा सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3 में, माइनस 3 माइनस 4 उस तरह से नीचे की तरफ जाएंगे. और ये दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, ये देखो बोला है कि x का जो वैल्यू है बिटवीन माइनस 3 एंड पॉजिटिव 3 होना चाहिए. और यहाँ पे क्या बोला है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पॉजिटिव 3. ओके, तो पहले क्या बोला है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है एफ ऑफ माइनस 4. इसके पहले भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ था, बट वहां पे क्या होता था, फंक्शन का एक ही इक्वेशन होता था. यहाँ पे एक ही फंक्शन को तीन अलग अलग इक्वेशन है. तो पहले हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि ये माइनस 4 किस इक्वेशन पे अप्लाई होगा, इस पे होगा, इस पे होगा या इस पे होगा. तो सबसे पहले ये क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू पुट करते हैं. तो चेक कर लेंगे माइनस 4 कहाँ पर फॉल होता है. ये देखो यहाँ पर फॉल होगा, बराबर है ना, क्योंकि क्या बोला है कि एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3 होगा. यहाँ पे होगा क्या, माइनस 4 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 3 और 3 के बीच में माइनस 4 आता नहीं है. और यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 3 बोला है. तो कहाँ पर फॉल होगा, यहाँ पर फॉल होगा. तो एफ ऑफ माइनस 4 फाइंड आउट करना है तो ये वाला हम लोगों को फंक्शन का इक्वेशन लेना पड़ेगा. तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, टू फाइंड एफ ऑफ माइनस 4, एफ ऑफ एक्स लिख लिया. कौन सा वाला लिखा है, ये वाला लिखा है. बाकी दोनों लिख कर अगर हम लोग आंसर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आंसर तो मिलेगा, बट वो प्रॉपर आंसर नहीं होगा, राइट नहीं होगा. ओके, तो अभी देख लेते, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, एक्स का वैल्यू माइनस 4 पुट करना है. तो यहाँ पर भी माइनस 4 पुट होगा, यहाँ पर भी माइनस 4 पुट होगा. माइनस 4 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 16, और ये माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 18 हो गया. ओके, अभी बी वाला देख लेते हैं. सो बी वाले में हम लोगों को क्या करना है, एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड आउट करना है. माइनस 3 डेफिनेटली यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, इक्वल भी है एंड लेस देन माइनस 3 है. तो यहाँ पर माइनस 3 इंक्लूड होगा. ओके, बट यहाँ पर नहीं होगा. तुम लोग को याद है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हम लोगों ने पढ़ा था. ओपन इंटरवल में क्या होता है, चलो अगर याद नहीं तो मैं बता देता हूँ. इस तरह से होता है, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है. ये 3 ले लो और ये 3 ले लो. तो कैसा होता है कि यहाँ पर जो वैल्यूज होते हैं वो क्या होता है, माइनस 3 और पॉजिटिव 3 को छोड़ के इसके बीच के सारे वैल्यूज हम लोगों को ओपन इंटरवल में मिलते हैं.
इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, माइनस थ्री अगर लेना है तो वो यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हम लोग क्या लिख लिया, टू फाइंड एफ ऑफ माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स, ये वाला लिखेंगे फोर एक्स माइनस टू, और अभी क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो यहाँ पर माइनस थ्री, यहाँ पर माइनस थ्री पुट कर लिया तो क्या मिलेगा, फोर माइनस थ्री, ओके फोर माइनस थ्री एंड माइनस टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेल्व आएगा, माइनस टू एड कर लिया माइनस फोर्टीन आ गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, एफ ऑफ वन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि वन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो नहीं आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस थ्री और उसके माइनस थ्री और उससे छोटे वैल्यूज आएंगे, यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स का जो वैल्यू है थ्री और उससे बड़े वैल्यूज आएंगे, तो हमारा जो एक्स वन मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू फाइंड एफ ऑफ वन, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाइव दिया है, एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, वन पुट करेंगे, एफ ऑफ वन फाइंड आउट करना है इसके लिए, तो यहाँ पर वन पुट कर लिया, राइट साइड में कहीं पर भी एक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू फाइव। अभी हम लोग को डी फाइंड आउट करना है एफ ऑफ फाइव, तो फाइव मतलब पॉजिटिव फाइव, यहाँ पर तो आएगा नहीं, यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये थ्री एंड मतलब थ्री और थ्री से बड़ा है तो यहाँ पर आएगा। ओके अभी क्या करेंगे, देखो हम लोग लिख लेंगे टू फाइंड एफ ऑफ फाइव, उसके सामने फाइव के लिए जो भी हम लोगों को ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो वो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। ओके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अभी एफ ऑफ फाइव फाइंड आउट करना है पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू फाइव, यहाँ पे फाइव आ जाएगा, ये फाइव का स्क्वायर, सो एफ ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव। ओके इसी तरह से देखो क्वेश्चन सिक्स भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, बस देखना है यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स का वैल्यू जो है वो टू एन लेस देन टू है, और यहाँ पे क्या है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन टू है, तो अगर ये फाइंड आउट करना है एफ ऑफ थ्री तो किस में पुट करेंगे, ये वाले एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, अगर हम लोग को एफ ऑफ टू फाइंड आउट करना है तो कहाँ पर पुट करेंगे, देखो यहाँ पर इक्वल्स टू बी टू है तो यहाँ वाले में पुट करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है तो जीरो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो यहीं पर पुट करेंगे। ओके तो अभी हम लोग क्वेश्चन एट की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन एट में क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू मॉड एक्स प्लस थ्री एक्स, देन फाइंड एफ ऑफ टू एफ ऑफ माइनस फाइव। ओके तो आंसर में सबसे पहले ये वाला ले लिया टू फाइंड एफ ऑफ टू। ओके यहाँ पर देखो दो पीस वाइज फंक्शन नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सो एफ ऑफ एक्स लिख लिया, सबसे पहले एफ ऑफ टू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, x का वैल्यू टू पुट कर लेंगे, तो कहाँ पर पुट होगा टू, यहाँ पर टू पुट होगा, यहाँ पर टू पुट होगा और यहाँ पर टू पुट होगा। ओके एफ ऑफ टू ये आ गया टू और ये, ओके सो मॉडुलस का क्या होता है, मान लो मॉडुलस में मैंने माइनस टू लिखा तो आंसर आएगा टू, और मगर मैंने मॉडुलस में टू लिखा तो आंसर आएगा टू, तो नेगेटिव का मॉडुलस अगर हम लोग निकालते हैं तो पॉजिटिव मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंजर्नलाइज करना रहेगा तो नेगेटिव ऑफ एक्स इज एक्स और पॉजिटिव एक्स ऑफ इज इक्वल्स टू एक्स, इस तरह से होता है मॉडुलस में, हम लोगों को मॉडुलस के बाहर लिखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा हम लोगों को। ओके सो यहाँ पर मॉडुलस टू क्या मिलेगा, टू मिलेगा, सो टू इंटू टू इज फोर, थ्री इंटू टू इज सिक्स, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा, आएगा हमारा आंसर सिक्स आएगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे आंसर आएगा टेन। अभी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ माइनस फाइव फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने लिख लिया टू फाइंड एफ ऑफ माइनस फाइव, एफ ऑफ एक्स लिख लिया है क्या है, टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस थ्री एक्स, एक्स के वैल्यू माइनस फाइव पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस फाइव, यहाँ पर माइनस फाइव और यहाँ पर माइनस फाइव, सो ये माइनस फाइव, टू इंटू मॉडुलस माइनस फाइव, थ्री इंटू माइनस फाइव। भी जैसे कि मैंने बताया था मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर होगा वो बाहर आके हमको पॉजिटिव ही मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सो माइनस फाइव जब मॉडुलस के बाहर आएगा तो मिलेगा पॉजिटिव फाइव, सो टू इंटू फाइव इज टेन एंड थ्री माइनस फाइव इज माइनस फिफ्टीन,
टेन माइनस फिफ्टीन सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस फाइव आएगा. ओके ओके तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन में करना क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, फोर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस थ्री, वहां पे बताया भी है दिस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, देन फाइंड एफ 7.2, एफ 0.5, एफ माइनस 5 अपॉन टू, एफ 2 पाई. ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ 7.2. ओके सो एफ ऑफ एक्स जो है दिया हुआ है वो लिख लिया. भी क्या करेंगे, एफ 7.2 फाइंड आउट करना है तो ये एक्स का वैल्यू हम लोगों को क्या पुट करना होगा, 7.2. तो 7.2 पुट कर लिया, 7.2 पुट कर लिया और ये 3. तो अभी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने 7.2 लिखा है दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है. तो हमने क्या बोला है, 7.2 से छोटा या फिर उसके बराबर इंटीजर चाहिए. तो 7.2 इंटीजर तो है नहीं, तो 7.2 से जो छोटा इंटीजर है वो क्या आएगा, 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा क्या आएगा 5, 4, ऐसे ऐसे करके हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक. लेकिन हम लोगों को ये सारे में से सबसे बड़ा वाला चाहिए, तो सबसे बड़ा वाला क्या है, 7. तो इसका आंसर जो आएगा वो 7 आएगा. तो 4 इंटू 7 इज 28. ओके 4 इंटू 7 इज 28 और ये माइनस 3 कितना आ गया, 25 आ गया. अभी हम लोग को बी में क्या फाइंड आउट करना है, 0.5, एफ ऑफ 0.5 फाइंड आउट करना है. सो एफ ऑफ एक्स 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3, बी एक्स का वैल्यू यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है तो 0.5 पुट कर लेंगे. तो 0.5 और ये माइनस 3. अभी देखो यहाँ पर 0 कैसे आया, अगर हम लोग 0.5 यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं. तो 0.5 से अगर छोटा इंटीजर देखने जाएंगे तो 0 है, फिर माइनस 1 है, माइनस 2 है, माइनस 3 है, ऐसे ऐसे करके माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे हम लोग. लेकिन 0.2 के एकदम नजदीक कौन सा है, 0 है. ओके तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा ऑफ 0.5 का. सो क्या मिलेगा, 4 इंटू 0, 0 आ गया. 0 माइनस 3 करेंगे, आंसर इज माइनस 3, एफ ऑफ 0.5 का. उसके बाद सी में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ माइनस 5/2. ओके तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिख लिया, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5/2. अभी तो यहाँ पर एक्स है माइनस 5/2, यहाँ पर एक्स है माइनस 5/2. अभी माइनस 5/2 को हम लोगों को डिवाइड करना होगा क्योंकि हम लोगों को इंटीजर फाइंड आउट करना है. सो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2.5. सो माइनस 2.5 से अगर छोटा जाना, माइनस 2.5 या फिर इससे छोटा, तो माइनस 2.5 से छोटा इंटीजर माइनस 3 है, माइनस 4 है, माइनस 5 है एंड ये कहां तक सिलसिला चलेगा, माइनस इंफिनिटी तक ये सिलसिला चलेगा. ये सारे क्या हैं, किससे छोटे हैं, माइनस 2.5 से छोटे इंटीजर. तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, माइनस 3. तो माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा माइनस 3. सो 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12 और ये माइनस 3, दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस 15 आ गया. यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आया क्या लेना है हम लोगों को, या तो उसके बराबर या फिर उससे जस्ट छोटा. ओके उसके पास वाला जो छोटा नंबर है इंटीजर वो लेंगे हम लोग. ठीक है अभी हम लोगों को देखो डी में क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 2π फाइंड आउट करना है. पाई का वैल्यू भी दिया है 3.14. फंक्शन लिख लिया, पुट कर रहे हैं हम लोग एक्स इज इक्वल्स टू 2π. तो यहाँ पर 2π आएगा, यहाँ पर 2π आएगा, लिख लिया. ओके उसके बाद पाई का जो वैल्यू लिखा है दिया है वो पुट कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 आएगा. अब 6 से छोटा जो 6.28 से जो छोटा इंटीजर है वो 6 है,
उसके बाद 5 है, ऐसे करके हम लोग माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। बट माइनस इन्फिनिटी और 6 तक में सबसे बड़ा कौन सा है? 6 बड़ा है तो 6 ले लेंगे। 4 × 6 = 24 और ये माइनस 3 कितना आएगा? 21 आ गया। ओके ओके और इसके बाद हम लोग 10th वाला देख लेते हैं। f(x) = 2 कर्ली ब्रैकेट x, यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट x है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x है क्योंकि प्लस 5x हम लोग को f(-1) f(1/4) f(-1.2) एंड f(-6) तो मैं इसमें से a और b वाला करूंगा, c और d तुम लोग इजीली सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान है क्योंकि तो अभी हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड f(-1) फंक्शन जो दिया है वो लिख लेंगे 2 ओके पार्ट फंक्शन x प्लस 5x। लेकिन पार्ट फंक्शन x क्या होता है, हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था, पार्ट फंक्शन x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस तरह से मिलता है हम लोगों को। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया है ब्रैकेट के अंदर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये 2 बाहर रखा है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसको, प्लस 5x। अभी f(-1) फाइंड आउट करना है सो x का वैल्यू -1 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 पुट होगा ठीक है। सो ये 2 एज इट इज आएगा, -1 आ गया, ये माइनस तो यहाँ से मिला हम लोगों को और ये -1 ओके एंड यहाँ पे 5-1। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे मिलता है, या तो उसके इक्वल होना चाहिए या तो उससे छोटा वाला। सो -1 खुद एक इंटीजर है सो -1 ले लेंगे ओके और ये -1 यहाँ पे लिख लिया, ये एज इट इज लिखा ऊपर से, ये 2 भी लिखा, 5-1 करेंगे -5 आएगा। अभी ये देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, -1 + +1 कितना आ जाएगा 0। सो 2 × 0 क्या मिलेगा 0 और ये -5 क्या हो जाएगा -5 हम लोग को आंसर मिलेगा। सो f(-1) = -5। बी वाला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, f(1/4) फाइंड आउट करना है, f(x) लिख लिया है ओके okay? उसके बाद पार्ट फंक्शन को हम लोग लिख लेंगे, पार्ट फंक्शन ऑफ x इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5x। अभी x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/4, 1/4 को हम लोग 0.25 भी लिख सकते हैं। 0.25 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसके लिए हम लोगों को 1/4 जैसे नंबर्स नहीं यूज कर सकते, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो आसानी से निकालना है तो ये चाहिए हम लोगों को ओके। सो यहाँ पर 1/4 पुट कर लिया क्योंकि हम लोगों को f(1/4) फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे एफ एक्स का जो वैल्यू है इसको 1/4 लिख लिया है और यहाँ पे 0.25 इसका वैल्यू ओके, इसका वैल्यू 0.25, इसका वैल्यू 0.25, 0.25 क्या होता है 1/4 ओके। यहाँ पे 0.25 आ गया, यहाँ पे 0.25 आ गया, यहाँ पे 0.25 आ गया। अभी 0.25 से जो छोटा इंटीजर है वो क्या है, 0 है, 0 से छोटा -1, उससे छोटा -2, ऐसे करके करके हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को कौन सा लेना है जो सबसे पास में रहेगा इसके, तो 0, तो 0 लिख लिया ओके। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 0.25 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 आएगा और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे सो 1.25 दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आएगा 1.75। इसी तरह से जो बचा हुआ सी और डी है इसमें का तो तुम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हो। जितने भी हम लोगों ने सम सॉल्व किए हैं वीडियो में वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो।